हेलो फ्रेंड्स, तीन महीने में स्टॉक बढ़ा है और इंडेक्स बढ़ा है। ये रेड लाइन है वो ईएमए 20 डेज की लाइन है, ये ब्लू लाइन है वो ईएमए 50 डेज की लाइन है। निफ्टी इज मेकिंग ऑल टाइम हाईस। निफ्टी जिस तेजी से ऊपर गया है उस तरह की तेजी मैं पहली बार देख रहा हूँ। करेक्शन तो आया ही नहीं, मार्केट सिर्फ वन साइड चली है। ऐसी सिचुएशन में अगर रिवर्सल होता है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान भी बड़ा ही होता है। ईएमए 50 के ऊपर ईएमए 20 और ईएमए 20 के ऊपर स्टॉक प्राइस, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है। प्राइसेस जब मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही है तब मूविंग एवरेज के पास प्राइस आने पर बाइंग करनी चाहिए और दूरी बढ़ने पर सेलिंग कर सकते हैं। सर्किट वाला स्टॉक अपर सर्किट लगाकर ऊपर जाता है, लोअर सर्किट लगाकर नीचे आता है। कितनी सारी अपर सर्किट्स लगी है, स्टॉक प्राइसेस इस लेवल पर टिक नहीं पाई। ये तो सबको पता होता है कि एक दिन ये अपर सर्किट खत्म हो जाएगी और लोअर सर्किट की शुरुआत होगी। लेकिन अपर सर्किट में एक दिन में इतना प्रॉफिट मिलता है जितना बैंक एफडी में एक साल में इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए लोग बाइंग करते रहते हैं। मार्च 2020 से जो भी न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं उन्होंने सिर्फ तेजी देखी है, मंदी का एक्सपीरियंस उनको नहीं है। स्टॉक प्राइस जब ईएमए 20 के लेवल से ऊपर की तरफ हो और दूरी पर हो तो बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आएगा और प्राइस नीचे जाएगी। अगर किसी और स्टॉक के लिए आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब सर्च में लिखें सीए प्रशांत शाह और शेयर का नाम। जैसे आपको रिलायंस का वीडियो सर्च करना है तो सीए प्रशांत शाह रिलायंस और सर्च करें, आपको ऐसी ही वीडियो मिल जाएगी। मुझे लगता है कल प्राइस नीचे जाएगी, 2-3 दिनों का टारगेट। थैंक यू।